कि कभी जिंदगी में किसी ने भी ऐसे कभी चाय पे ऐसे बुलाया नहीं है कि उन्हें आज हमारे को यहाँ बुलाया, बहुत खुशी है हमें सब। बहुत अच्छा धन्यवाद, बहुत अच्छा जो हमें कभी किसी ने बुलाया नहीं, जो आज हमें आया, हमें बड़ी खुशी है, बड़ी तमन्ना और बहुत अच्छी खुशी है मिलने के लिए हमारे। सबसे पहले आप सब लोगों का आज मेरे घर पे स्वागत है। मुझे पता चला 2 बजे आपकी ड्यूटी खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने आज आपको घंटा और रोक लिया, आप अपने घर जाने से रुक गए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप आए हो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई आप सब लोगों से आज मिलके, आप सब लोगों के साथ बैठ के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी घर से बाहर निकलता था, जाता था, आप लोगों को सफाई करते हुए देखता था, तो मेरा मन करता था कि आपके साथ बैठ के एक दिन आमने सामने बैठ के बातचीत करूं और आपकी समस्याओं को सुनूं। बाकी राजनीति तो चलती रहती है, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से, पार्टीबाजी तो चलती रहती है, नेताबाजी भी चलती रहती है, लेकिन इंसान तो इंसान है, तो इंसान के तौर पर आज मैंने बुलाया, कोई आम आदमी पार्टी के तौर पर नहीं बुलाया। सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद बहुत बहुत करती हूँ, जो आपने हमें यहाँ बुला करके इतना सम्मान दिया, और मैं अपने पूरे सारे भाई और बहनों की वजह से आज हम आपकी वजह से ये सब इधर आए हैं, और हम ये जो नौकरी लेके बैठे हैं ये भी आप ही की बदौलत है, ये हम हर जगह बोलते हैं, हमारे सर केजरीवाल, हमारे CM, उन्हों की वजह से हम ये नौकरी लेके बैठे हैं। आज तक हमारे को किसी ने नहीं पूछा था, हम लोगों को तो कोई समझता ही नहीं अभी तक कि हम क्या है क्या नहीं है, बहुत कूड़ा करकट की तरह समझते हैं, जो भी आता है वही अपने बोल के चला जाता है, कुछ भी। आप पहले हो तो आपने बहुत अच्छा है कि आपने बुलाया, हमारा हौसला बढ़ गया है। हम भी आप ही की तरह हैं। आज से 10-15 साल पहले केजरीवाल को कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। ये तो पता नहीं आप लोगों को क्या अच्छा लगा मेरे में कि आपने मेरे को इतनी बड़ी दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी और मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया आप लोगों ने। बाबा साहब अम्बेडकर को कौन कौन मानता है आप में से, सारे मानते हैं? बाबा साहब अंबेडकर सबसे बड़ी उनका संदेश क्या था, तो उन्होंने एक ही संदेश दिया था अपनी जिंदगी में, अगर हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना है, तो पढ़ाई पे सबसे ज्यादा जोर देना है, और मैंने भी सबसे ज्यादा जोर पढ़ाई पे दिया। हमने एक जय भीम योजना निकाली है दलित समाज के लिए, SC समाज के लिए, उसमें हमने कहा भाई 12वीं पास करने के बाद अगर आप कोई अच्छी कोचिंग करना चाहते हो, दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री में कोचिंग कराते हैं हम आप लोगों के बच्चों के लिए, केवल SC समाज के बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग कराते हैं, अगर आपके बच्चे में जरा सा भी टैलेंट है, जरा सा भी अगर इंटेलिजेंट है, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, बड़े सपने देखो अपने बच्चों के लिए, उनको बोलो पूरी जोर लगा दो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, मैं आपके साथ हूँ, आपको मैं अपना परिवार मानता हूँ, आप हमारी सेवा करते हो यहाँ पे घूम घूम के, आपके घर में किसी तरह की दिक्कत आए, बच्चों के लिए दिक्कत आए, कोई बीमार हो जाए किसी तरह की, सीधे मेरे पास आ जाना, मैं आपकी मदद करूँगा। अच्छा जी, आप लोग चाय पी के जाओ, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।